राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से विवाह के बारे में बात करूंगा कि विवाह का सही समय क्या है, सही समय पर विवाह क्यों कर लेना चाहिए, सही समय पर विवाह ना हो तो क्या परेशानी आती हैं, इन सब के बारे में आज आपसे बात करेंगे। साथ ही आप लोगों को सवाल अपनी ओर से भेजना है तो मोबाइल नंबर TV9 भारतवर्ष पर दिन भर चलते हैं, आप सवाल भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके। आइए बात करते हैं आज के सुंदर से विवाह के पावन कार्यक्रम की। आज का उपाय, जल्दी विवाह करने वाला उपाय। आजकल बहुत देखा जाता है कि बच्चे बच्चियों की शादी में बहुत विलंब होता है। अगर लड़कों की शादी में विलंब हो रहा है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ संपूर्ण पाठ करने से आपके विवाह के योग जल्दी हो सकते हैं। जिनका विवाह जल्दी करना चाहते हैं तो वो इस मंत्र का जाप करें। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका विवाह के संयोग जल्दी से हो जाएंगे, आप विवाह के करीब पहुंच पाएंगे। पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने, सुबह जल चढ़ाने और शाम को दीपक जलाने से भी विवाह के योग जल्दी से होते हैं। लड़कियों का बेटियों का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस तरह का मंत्र आप याद कर लें और बेटियों को इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। आज का विषय, देर से विवाह करने के नुकसान क्या हैं और जल्दी विवाह करने के फायदे क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विवाह जल्दी करने के ये फायदे हैं कि आपका जवानी में 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में मन सबसे अधिक चंचल होता है और सबसे अधिक मन इसी उम्र में 20 से 30 वर्ष के बीच में ही मन सबसे ज़्यादा स्त्रियों का पुरुषों में, पुरुषों का स्त्रियों में जाता है। यदि इस उम्र में आपका विवाह हो जाए तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर अपनी पत्नी में लगेगा, अन्य पुरुषों से मन हटकर अपने पति में लग जाएगा। आपका विवाह हो गया, अपने पति और अपनी पत्नी के संग आप रहिए, खुश रहिए, प्रेम से रहिए, सांसारिक सुखों का आनंद लीजिए। यदि आपका विवाह समय से नहीं होता तो कहीं वो आपकी इंद्रियों की इच्छा, कहीं वो भोगों की कामना, कहीं आपको गलत दिशा की ओर ना ले जाए। 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक और अधिक 35 वर्ष तक शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है। इस समय 22 साल 25 साल अधिक से अधिक 25 वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा तो आप चरित्र से गिर ना पाएंगे। हमारा देश है ना, हम चरित्रवानों की पूजा करते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। भगवान राम चरित्रवान हैं तो आज उनकी पूजा होती है। चरित्रवान कौन हो सकता है? राम गृहस्थ हैं, पत्नी के साथ रहने वाला व्यक्ति चरित्रवान होता है। यदि आप पत्नी के साथ हैं और अपने पत्नी के साथ रहकर अपनी पत्नी में आप मन लगाए हैं, अपने पति में मन लगाए हैं, तो आप बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, आप सदगृहस्थ हैं। समय से विवाह हो जाने पर आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से बच्चों की आप परवरिश कर लेंगे। जब आपके बच्चे विवाह के योग्य होंगे तब तक आप यंग दिखेंगे, जवान दिखेंगे। और आपने ज़रा लेट विवाह किया, आप 30 साल में विवाह करेंगे या 35 वर्ष की आयु में विवाह करेंगे तो बच्चे होते होते आपके कितनी आयु हो जाएगी और उनके विवाह के समय आप कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसलिए समय रहते आप विवाह कर लीजिए, बच्चों के जिम्मेदारियों से आप जुड़ जाइए और बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाकर आप बड़े प्रेम से बच्चों का लालन पालन करके उन्हें सही राह पर लगा दीजिए। तो समय पर विवाह करने के नाना प्रकार के फायदे हैं। पहला, आपका चंचल मन कंट्रोल। दूसरा, आप चरित्रहीन होने से बच गए, अपनी पत्नी अपने पति में मन लगाएंगे।
तीसरा, समय से बच्चे होंगे, समय से उनकी पढ़ाई लिखाई सब कार्य हो जाएगा। साथ ही अब प्रश्न ये उठता है कि हम विवाह करते क्यों हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना विवाह करे रहते हैं, और लोग कहते हैं कि जब विवाह के बिना ही हमारा गुजारा हो रहा है तो क्यों विवाह करें, क्यों जिम्मेदारी ले लें। तो देखिए, विवाह के बिना समाज में यदि आप किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ संबंध रखते हैं तो हमारा धर्म उसे पाप कहता है। आज जिसे लिव इन आप कहते हैं, लिव इन में रहना भी एक पाप है। किसी पराई स्त्री, किसी पराई पुरुष के साथ बिना विवाह के आप रह रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो धर्म पूर्वक हमें प्राप्त हुई। मंडप गाड़ा गया, हल्दी चढ़ाई गई, सारे समाज के सामने वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ हमने उसका पाणि ग्रहण किया है, स्वीकार किया, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी होती है। जब आप धर्म के साथ विवाह नहीं करते तो वो अधर्म पत्नी होती है, और अधर्म से चलने वाला हर व्यक्ति पापी कहलाता है। विवाह क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है? हमारे सनातन धर्म में बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह इसलिए किया जाता है कि आप यज्ञ का अधिकार प्राप्त कर सकें। देखिए, जब भगवान राम का विवाह हुआ और माता सीता के संग राम जी रहे, राम जी के साथ 14 वर्ष माता सीता वनवास थी। जब सीता माँ गर्भवती हुई तो राम जी का पुनः सीता माँ का पुनः वनवास हुआ। जब सीता माँ वनवास में थी और लवकुश का जन्म जब वनवास में हुआ, उस समय राम जी ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया, जो यज्ञ के बारे में आप सब जानते हैं। जब गुरु जी से पूछा राम जी ने कि गुरु जी क्या मैं यज्ञ कर लूँ, तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम आपकी पत्नी आपके पास नहीं है, आप यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों गुरु जी? बोले, पत्नी है तो आपकी पत्नी का यज्ञ में होना आवश्यक है, बिना पत्नी के आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। तब पत्नी तो जंगल में थी, लाया नहीं जा सकता था, यज्ञ कैसे करें? तब सोने की सीता बनाई गई और राम के बगल में किसे बिठाया गया? सोने की सीता को। सोने की सीता जब बगल में बिठाई गई राम जी के, तब राम जी ने आहुतियाँ डाली और राम जी का वह यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान भी बिना पत्नी के यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, तो हम और आप भला यज्ञ करने का अधिकार कैसे पा सकते हैं? इसलिए हम सबको चाहिए कि हम यज्ञ का अधिकार पाएं, हमारी पत्नी और हमारा पति, हम सब मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि पत्नी नहीं है तो पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, पति नहीं है तो पत्नी यज्ञ नहीं कर सकती। शास्त्रों का विधान तो यही है कि दोनों जोड़े से बैठें, गांठ जोड़ी जाए और फिर आप स्वाहा स्वाहा की आहुतियाँ डालकर अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। दशरथ जी और कौशल्या जी ने पहले क्या किया? यज्ञ किया, और जब यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी, तब जाकर के उनके यहाँ संतान हुई। जब यज्ञ करने के बाद संतान पाई जाती थी तो वह संतान श्रेष्ठ होती थी। पहले का विवाह होता ही इस भाव से था कि हम यज्ञ करके शक्तियाँ अर्जित करेंगे और वो सारी शक्तियाँ संतान प्राप्त करेगी और वो समाज का उत्थान करेगी, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगी। इसलिए जब आप विवाह करें तो आप लक्ष्य ये बनाएं कि मुझे इस विवाह से श्रेष्ठ संतान पानी है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, आपके भीतर चार, हमारे सनातन धर्म में चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर गृहस्थ में प्रवेश करें, और गृहस्थी दोनों पति पत्नी मिलकर ईश्वर की आराधना करिए। ये मानव जन्म ईश्वर को पाने के लिए मिला है, श्रेष्ठ संतान को पाइए, और ऐसी संतान जो राष्ट्र हित करे, समाज का हित करे, ऐसी संतान जो राष्ट्र का निर्माण करे, वो संतान आपको चाहिए। हर संतान सच्ची हो, ईमानदार हो, हर माँ बाप का परम कर्तव्य है। कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो माँ बाप अपने संतान को योग्य नहीं बनाते, संस्कारी नहीं बनाते, वह माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने संतान को योग्य बनाएं, खूब अच्छे संस्कार दें, खूब अच्छी शिक्षा दें, और ऐसा बनाएं कि वो राष्ट्र के काम आए, तब आपका पिता बनना सार्थक है।
और स्त्री का वो गर्भ का दर्द, प्रसव का दर्द सहना सार्थक है। कहा जाता है जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अरे बच्चा पैदा करो तो श्रेष्ठ पैदा करो, गीदड़ पैदा करके क्या करोगे। जो अपने माँ बाप की सेवा करे, समाज की सेवा करे, चरित्रवान हो। बेटा कैसा हो? चरित्रवान हो। मर जाए पर चरित्रहीन ना होने पावे, चरित्र से समझौता ना हो, ऐसी संतान हो। नारी का सम्मान करने वाली संतान हो। इस अच्छी संतान के लिए विवाह किया जाता है। राधे राधे। आज का समाधान, विवाह नहीं हो रहा है तो क्या करें कि हो जाए। देखो विवाह नहीं हो रहा है तो अभी जो मैंने मंत्र बताए वो मंत्र का जाप करें, आपका विवाह होगा। पीपल को जल चढ़ाएं, वो आपको मैंने बताया, उसका आप प्रयोग करें, निश्चित आपका विवाह होगा। साथ ही एक उपाय और बता देते हैं, इस मंत्र के प्रभाव से कन्या की शादी जल्दी होती है। इस मंत्र का जाप कन्या को केले के पत्ते के आसन में बैठकर कात्यायनी माँ का पूजन करके, पीले वस्त्र पहनकर, पीला भोग रखकर, दीप जला करके करना चाहिए। यह अनुष्ठान 21 दिन का होता है। तो आप इस दिन 1000 मंत्र जाप करें, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तो नित्य 1000 जाप बढ़ाएं, धीरे धीरे करेंगे तो आपका 21 दिन में जब 41,000 मंत्रों का जाप हो जाएगा तो विवाह के योग संयोग जल्दी से जल्दी बन जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। आज का वार्तालाप, गाजियाबाद से अंजलि कौशिक जी ने वीडियो के द्वारा एक सवाल पूछा है, वो सवाल सुन लेते हैं। गुरु जी राधे राधे, मेरा नाम अंजलि कौशिक है, मैं गाजियाबाद से हूँ। गुरु जी मैं पूछना चाह रही थी, मेरे पति देव मेरी जिठानी से, अपने भाई से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उन पर एक बेटा है, हम पे दो बेटी हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बेटे को देख के चिढ़ते हैं और वो बोलते हैं हमारे बेटे को कुछ खिला देंगे। बताओ गुरु जी मैं क्या करूँ। आपके पति अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं कि जलते हैं। देखिए पानी भले गंदा हो, पीने के काम ना आए पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। उसी प्रकार रिश्तों को तोड़ा ना करिए, तोड़ने से समाधान नहीं है, रिश्ते रहने दीजिए। दोस्त बनाने के फायदे हैं, रिश्ते बनाने के फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी फायदा नहीं है। कोशिश करिए कि रिश्तों को बिगाड़ा ना जाए। आपको बात नहीं करनी आप मत करिए, थोड़ा इग्नोर करिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए। साफ ना कहिए कि जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ऐसा मत कहिए। आप धीरे धीरे, आपको पसंद नहीं है तो आप उनसे हट जाइए, अपने आप को हटा लीजिए और आप अपने बच्चे को योग्य बनाइए, खूब बढ़िया पढ़ा लिखा करके काबिल बनाइए। जैसे अंजलि जी ने वीडियो बना करके अपना सवाल भेजा है, आप लोग भी अपना सवाल वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और अगले वाले एपिसोड में आपका सवाल भी लिया जा सकता है। आप वीडियो बनाकर भेजते रहिए अपने सवालों को। राधे राधे। आज के संस्कार, विवाह के किसी संस्कार की बात आज मैं आपके लिए लाया हूँ। संस्कार देखिए, आज की आधुनिकता में हमारे बच्चे इस तरह से, आज की आधुनिकता, आज की आपाधापी में खो गए कि अपने संस्कारों को भूल गए। जब विवाह होता है, पत्नी आती है तो सबसे पहले वो अपने गांव के कुल देवताओं की पूजा करती है, ग्राम देवताओं की, अपने घर के कुल देवताओं की, बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर के आशीर्वाद लेती है, गुरुजनों का। अब देखिए आजकल ये सब परंपराएं कम होती चली गईं। आजकल विवाह हुआ सीधा हनीमून मनाने भाग जाते हैं। अरे होना ये चाहिए कि पहले अपने ग्राम देवताओं को प्रणाम कर लो, अपने कुल देवताओं को दर्शन करके उन्हें कहो कि प्रभु हमारे घर में ये नई दुल्हन आई है, आज से इस घर का ये सदस्य बनकर आई है, हे प्रभु हे हमारे कुल देवता इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और इसके द्वारा जो संतान होगी वो इस परिवार को, कुल को आगे बढ़ाने वाली हो, उसको सामर्थ्य बनाएं। इस प्रकार का आशीर्वाद कुल देवता से लो, कुल देवता को प्रणाम करो और फिर अपने गृहस्थ में प्रवेश करो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, वृंदावन धाम आओ, तीर्थों में आके पहले भगवान की कथा सुन के अच्छे कार्य करते हुए गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी, अच्छी चलेगी। आपको समाज में यश कीर्ति भी स्थापित करना है, उसके लिए चाहिए कि आप अपने संस्कारों का परिचय दें, संस्कारों से कोई समझौता ना करें। राधे राधे। आज का मंत्र, यदि पति पत्नी की उम्र में बड़ा अंतर है तो क्या करें। एक बहन मेरे पास आई, बोले गुरु जी मेरा पति 50 साल का है और मैं 25 साल की हूँ। तो मैंने कहा तुमने बुढ़े से ब्याह क्यों कर लिया। बोले बहुत पैसा था, मैंने सोचा बहुत पैसा रहेगा तो कर लिया ब्याह इस चक्कर में। देखिए पैसे से ब्याह ना करिए, एक गृहस्थी
ऐसी हो कि पति पत्नी की आयु लगभग 2 साल 4 साल छोटी बड़ी चलती है, अधिक से अधिक 5 साल, ठीक है 6 साल, दुगनी ना हो, ठीक है, तो आपका विवाह ऐसे से हो जो आपकी आयु के हों और आपके योग्य हों, लड़की आपके रूप रंग की हो, लड़का आपके अनुकूल हो, इस तरह से विवाह में तालमेल बिठा करके विवाह करना चाहिए। पानी पियो, छान के और विवाह करो, जान के अब जो हो गया है फिर उसे निभाओ, अब छोड़ के जाने की कोई युक्ति सनातन में नहीं है। हमारे यहाँ रिश्ता जोड़ना है, हमारे यहाँ रिश्तों को तोड़ना नहीं सिखाया जाता, हम जोड़ने वाले हैं ना कि तोड़ने वाले। जुड़ के रहो, जोड़ के रखो रिश्तों को। राधे राधे। सतना से कविराज जी का सवाल है कि मेरी बेटी का विवाह मैं जिससे करने जा रहा हूँ वो लोग बहुत दहेज मांग रहे हैं, क्या मैं विवाह करूँ? देखिए, जो दहेज के लालची हैं, जो रिश्तों को महत्व नहीं दे करके धन को महत्व देते हैं, ऐसे लालची लोगों से अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल ना करें। मैं हर माँ बाप से कहूँगा कि आप अपने बेटों को इतना लायक बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि आपको किसी से मांगना ना पड़े। जंगल का शेर होता है ना और सर्कस का शेर होता है, शेर दोनों हैं, सर्कस का शेर और जंगल का शेर। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है जबकि जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है। शेर कौन है? जो जंगल में है वो, या जो सर्कस में है वो? सर्कस में जो शेर है वो पिंजरे के अंदर है और पिंजरे के अंदर शेर भी कुत्ता ही होता है। तो आप अपने बच्चों को यदि दहेज दे करके, माँ बाप की बहुत संपत्ति है तो बच्चे को लगता है बाप का बहुत धन है, क्या करना, मेरे ससुर बहुत पैसे वाले हैं, क्यों कमाना। यदि आप बच्चों को पैसे देते हैं मतलब आप बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। आप बच्चों को काबिलियत दें, टैलेंट दें, योग्यता दें, बच्चे अपना खुद कमाएंगे। जैसे जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है, बच्चे आप खुद कमा के योग्य बने। विवाह तब करो जब अपनी पत्नी को खिलाने लायक बन जाओ, बच्चों की फीस भरने लायक बन जाओ, फिर विवाह करो। पिता के पैसों से बच्चों की फीस ना भरिएगा, पहले अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि आपको किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत ना हो। योग्य लड़की लेकर के आई, उससे विवाह करिए और किसी के टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इतने योग्य बने कि आपको ससुर से मांगना ना पड़े, दहेज लेना ना पड़े। एक अच्छी योग्य संस्कारी लड़की ले आइएगा, लड़की के माँ बाप श्रद्धा से जो दे दें स्वीकार कर लीजिएगा, पर हाथ ना पसारना पड़े, मांगना ना पड़े। बचिए इन चीज़ों से, मांगने से, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। कल फिर बात करेंगे गोपाष्टमी की, महाराज का मंत्र कार्यक्रम में कल बात होगी भगवान ने किस तरह गौ माता का चारण किया, गौ माता चराई। आप अपना ख्याल रखिए, सुखी और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर रोज 7:20 पर। राधे राधे।